हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग कुछ बहुत ही स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि हमने अभी रास्ते में देखा था एक अखिलेश सोनी नाम के एक शख्स है जो उत्तर प्रदेश से बता रहे अपने आप को, और गोरक्षा के लिए वो 11,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके देर इंतजार करने के बाद अभिषेक भैया वापस हमें मिल ही गए। हमने इनका लंबे समय से इंतजार किया और अभिषेक भैया सामने से आ रहे हैं। वैसे तो हम इनसे पहले मिल चुके हैं, पर इनका एक फुल इंटरव्यू लेकर डालेंगे। हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, तो इनका एक पूरा इंटरव्यू लिया जाए। हमने आपका बहुत इंतज़ार किया यार आगे। हाँ, तो आप यहीं खड़े रहिए, आप थोड़ा सा हमें इंटरव्यू दीजिए। एक तिरंगे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो आप। वैसे तो आप परेशान हो जी। मैं माफ़ी चाहूँगा आपको, वैसे बार बार परेशान कर रहा हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। परेशान क्या, कम से कम आप समय निकाल के हमारे वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा। तो आपका क्या संदेश है गवर्नमेंट के लिए? हम चाहते हैं कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू आपका ये मैसेज है गवर्नमेंट तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि भैया जैसे कि एक बार सभी भारत देश के किसानों को माफ किया जाए जी, जो किसान गलती कर दिए उसको एक बार क्षमा किया जाए जी, और भारत देश में जितने भी राज्य हैं जी, सभी राज्यों में घूम के जितनी भी गाय माता हैं जी और जितने भी बछड़े हैं जी, सबको पकड़ के एक बार जी गौशाले में रखवा दिया जाए जी। और गौशाले में रखवाने का मतलब है टाइम टाइम से उसका देखभाल हो जी, उनको टाइम टाइम से चारा मिले, टाइम टाइम से मतलब नहाना धोना उनका सब कुछ देखा जाए, सरकार ध्यान दे एक बार। बिल्कुल। और इसके बाद ऐसा कुछ कानून बनाए, ऐसा कुछ नियम बनाए जी, जो किसान पालने योग्य हो गाय बछड़ा जी, वही किसान गाय को खरीदे और उसको शौक से पाले और पहन के रखे, फिर उसके बाद टहराए घुमाए जैसा भी है जी। बस यही संदेश हमारा है भैया, और इसी संदेश को लेके निकले हैं। तो अभी आप कहाँ से निकले हो, आप प्रॉपर कहाँ से हो? मैं तो प्रॉपर उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ जी। हमारा नाम अखिलेश सोनी है जी। और निकले तो हम दिल्ली लाल किला से हैं, भारत की राजधानी दिल्ली लाल किला से। तो वहाँ से आपका किसी ने सपोर्ट किया? सपोर्ट तो भैया अभी तक किसी का नहीं है, लेकिन आप जैसे भाइयों का है, कम से कम कीमती समय निकाल के हमसे मिलने का कोशिश किया जा रहा है जी, हमसे बात करने के लोग कोशिश कर रहे हैं जी। इसके बाद जहाँ पे जा रहे हैं, जिस होटल पे बैठ रहे हैं जी, होटल वाले भी काफी हमको सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल। पैसा देते हैं तो पैसा कहते हैं अरे कोई नहीं चलेगा चले जी जी। तो मिला जुला के भैया सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। देखो काफी हमने भी बहुत देर तक आपका इंतजार किया, हमने आपके लिए वहाँ घंटा डेढ़ घंटे तक इंतजार किया। हमने कहा अभी भी आप आओ, अभी आप आओ। असल बात भैया ना, वहाँ कुछ देर आराम करने लगे। अच्छा, आराम करने लगे तभी। हम चाहते थे कि भाई हम रोटी वोटी खिला दे आपको, खाना वाना खा लो, आप लस्सी वस्सी पी लो, पर क्या हमने बहुत देर इंतजार किया पर आप आए नहीं। अब हम क्या करेंगे, होटल वाले को फोन कर देंगे, वैसे आपको खिला देंगे, यहाँ पास में राजमार्ग होटल है। तो और आप क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को, भी क्यों संदेश दोगे कि भाई ऐसे आप गायों को नहीं छोड़े? किसानों को कहना चाहते हैं जैसे कि किसान भाइयों हमारी बात को सुने जी, और अगर आप पालने योग्य हैं गाय माता को जी और बछड़े को जी, तभी उसको खरीदें जी, और अन्यथा पालने लायक नहीं है तो उसको मत खरीदें, उसको मत ध्यान दें जी। ठीक है जी। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, एक बार मोदी सरकार से जी, और भारत राज्य में जितने मुख्यमंत्री हैं किसी भी पार्टी के जी जी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो भी हो जी, इस बात को एक बार सबको माफी मिलना चाहिए जी, और सभी मुख्यमंत्री एक बार ध्यान दें जी, एक काम ये जरूर करें जी, ये हमारा व्यक्तिगत काम नहीं है, हमारे देश का काम है, हमारे घर का काम है भैया। भारत देश हमारा घर है जी, ये हमारे घर का काम है जी। किसी रोड पे आप चले जाइए भैया, किसी रोड पे देखेंगे जी, हर रोड पे गाय माता बछड़े, हर रोड पे गाय माता बछड़े। ये मैं देखते देखते दुखी हो गया था, इसलिए इस यात्रा को निकाला हूँ भैया जी, और इससे काफी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, काफी लोगों का मदद भी मिल रहा है जी, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उठ रहे हैं, जहाँ जहाँ बैठ रहे हैं। बिल्कुल जी भैया। और आपका किसी न्यूज वाले ने कोई मतलब किसी ने कुछ इंटरव्यू लिया? हाँ भैया, दूधू में एक जाए लिए, दूधू में एक बार लिए लिए थे, दूधू जिला। हाँ हाँ, दिल्ली जयपुर, जयपुर के पास में दूधू में इंटरव्यू लिया गया था, तो वहाँ पेपर ऊपर में निकला था जी। तो फिर इसके बाद यहाँ अभी जल्दी में मतलब 35 किलोमीटर बाद क्या है भैया, सामने भीम 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 में, भीम में, भीम में भी जो है इंटरव्यू लिया गया था, वहाँ भी पेपर ऊपर में शायद क्या दिया है क्या नहीं जी, और यही सब भैया है जी। तो अभी आप दिल्ली से निकले हो जी, तो अभी आप कहाँ जाओगे फिर? मुंबई जाएंगे भैया। नहीं मतलब लास्ट एंड आपका कहाँ है अभी? लास्ट तो बागेश्वर धाम है भैया। अच्छा, बागेश्वर धाम जाओगे आप?
चलो बहुत अच्छी बात है। और फिर अभी यहाँ से आप कन्याकुमारी जाओगे पहले? जी भैया। उसके बाद फिर नेपाल की तरफ? जी नेपाल तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेपाल के बॉर्डर में जाएंगे। जी हाँ, मतलब बॉर्डर बॉर्डर। जी जी जी। और फिर बाद में आप वापस रिटर्न वहाँ से बागेश्वर धाम जाओगे? जी भैया। जो एमपी में पढ़ते हैं? जी भैया। चलो बहुत अच्छी बात है। और कुछ आप संदेश देना चाहोगे? बस भैया यही संदेश देना चाहते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी, हमारी बात पे ध्यान दिया जाए। हमारी जी बिल्कुल, इस में व्यक्तिगत हमारी बात नहीं है, हमारे देश की बात है। जी। और एक दाएं तो सबको माफी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सही बात है। बस इसीलिए हम निकले हैं 11,000 किलोमीटर का यात्रा करते हुए। जी। अगर सभी देशवासियों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माफ नहीं करते हैं जी, तो इसके लिए किसी को कुछ करें या ना करें, लेकिन मुझे भी जरूर समाधि लेने का आदेश कानूनी प्रक्रिया से दिला दें। अरे नहीं नहीं नहीं, इस बात पर आपकी सुनवाई होगी। हम चाहते हैं कि भाई आपकी सुनवाई हो, सरकार आपकी सुनवाई करे, और हम सोशल मीडिया के थ्रू ये आपका जो पैगाम है इसको हम आगे से आगे पहुंचाएंगे। और हम लोग चाहेंगे कि भाई आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो। हमारा भी एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब पे, उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि लोग आपको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और गवर्नमेंट तक आपकी अगर बात पहुँचे तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शन ले, कुछ ऐसा कुछ कानून बनाए गायों के लिए। क्योंकि गायें बहुत ही, हमने देखा है कि हम सुनने भी आता है, गायें बहुत कटती हैं और गायें को बहुत मतलब अनहोनी होती है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, हम भी यही आवाज़ आपके साथ हैं, हम आपका फुल सपोर्ट करते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से भी हम सपोर्ट करेंगे आपका, इस वीडियो को हम शेयर करेंगे। और हम लोगों को भी यही प्रेरित करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सरकार तक पहुँचाएं। ये पैसा कमाने वाला वीडियो नहीं है भैया। जी जी बिल्कुल, जो भी वीडियो है जी, ये हमारे देश का वीडियो है। बिल्कुल, ये कोई पैसा कमाने के मकसद से बनाया नहीं गया है, बनाया नहीं। ये हम चाहते हैं कि भाई इसको पसंद करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इस बिल्कुल को उठाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हर घर की बात है जी, और देश की बात है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। जी 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 बिल्कुल, सबको माफी मिलेगा, सबको सहयोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ये कोई वीडियो हमारा कोई पैसे के पर्पज से नहीं है, हम पैसे कमाना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भैया देखिए पैसा कमाना ही होता तो व्यक्तिगत में, अब मेरा नाम अखिलेश सोनी है जी, मैं अपने नाम से चैनल बना के अपना ही वीडियो वायरल करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, ये अखिलेश जी ने बहुत ही अच्छी पहल की है। देखो ये पैदल चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो इतना पैदल चलना बहुत बड़ी बात है। मोबाइल नंबर डाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए। सही है, चलो बहुत अच्छी बात है अखिलेश जी, हम आपकी बात रखेंगे। अभी आप एक होटल आ गए, वहाँ खाना वाना खा लेना, हम फोन कर देते हैं उनको। हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, बट आप क्या वहाँ आए नहीं, तो हमने यार सोचा कि आप कहाँ रुक गए हो या फिर रास्ते में कहीं आपने मतलब ये हमने सोचा विश्राम विश्राम किया होगा, क्यों यार आप काफी देर से पैदल चल रहे हो। हम खोलो यहाँ होटल है जस्ट आगे राजमार्ग करके, ये इस लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ेगा, सॉरी राइट हैंड की तरफ पड़ेगा जाते वक्त, तो आप वहाँ आप खाना वाना खा लेना, हम कॉल कर देते हैं उनको, और कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ आपको पानी वानी की सुविधा चाहिए, लस्सी वस्सी वहाँ पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और हम वापस ऐसे हम काम करते हैं, आप चलो तब तक हम आ ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, ये 1 किलोमीटर समथिंग है, तो आप चलो तब तक हम आ रहे हैं ना।